आइए दोस्तों, आपको कानपुर के चिड़ियाघर में सांप घर दिखाते हैं, जिसमें तरह तरह के सांप रखे गए हैं। ये है सांप घर का ये द्वार, और यहीं से अंदर एंट्री करना पड़ेगा। और बाहर में देख सकते हैं एक कोबरा का, नाग का चित्रकारी भी किया गया है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें किस तरह के सांप, कौन कौन से सांप हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय नाग के बारे में दिया गया है, काफ़ी खतरनाक सांप होते हैं। तो हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है, शायद हो सकता है कि कहीं छिपा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भारतीय भूरा नाग के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। नाग गोरा जो होते हैं सांप, बहुत ही जहरीला सांप होते हैं। तो आप जब भी आइए इन सब चीज़ों से दूर रहें। और यहाँ पर देख सकते हैं रसेल वाइपर के बारे में दिया गया है, और वहाँ पर देख सकते हैं रसेल वाइपर आराम से सोया हुआ है। बहुत ही जहरीला सांप होते हैं दोस्तों। तो चिड़ियाघर में आप आते हैं तो जो ये जहरीला जो सांप होते हैं, इन सब चीज़ों से आप छेड़छाड़ ना करें, दूरी रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें भारतीय काला नाग के बारे में दिया गया है, और ये जो घड़ा है, इसी घड़े में सांप है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से घड़े के अंदर दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी घड़े में बहुत सारे सांप हैं। और इसका जो केचुड़ होता है वो सब देख सकते हैं, ये छोड़ा हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडियन ब्लैक कोबरा के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर हरा घता गर्ता धोना सांप है। बहुत सारे जो सांप है दोस्तों, वो तो हमको दिख ही नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि अभी सुबह के टाइम है, सुबह के टाइम इसीलिए दिख नहीं रहे हैं। और इसमें अजगर के बारे में दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये अजगर जो कि इसके ऊपर लेटे हुए हैं, और बहुत ही विशाल आकार भी होता है इनका, अजगर का। इन्हें देखकर तो लग रहा है ये सब आराम फरमा रहे हैं, सोए हुए हैं, जरा से भी हिलडुल नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिलडुल नहीं रहे हैं तो ये जिंदा नहीं है। अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको शायद पकड़ भी ले, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। यहाँ पर अजगर के बारे में दिया गया है, इंडियन रॉक पैथन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा ये अजगर है। अजगर जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत भारी भारी होते हैं, लगभग एक एक क्विंटल के भी मिल जाते हैं कहीं कहीं अजगर देखने को। तो ये सारे अजगर अभी सोए हुए हैं, हो सकता है कि अभी इन लोगों की नींद अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें लता सांप अर्ध विषधर सांप के बारे में दिया गया है, और हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों, हो सकता है कि कहीं छिपे हुए हों, क्योंकि बहुत सारे जो सांप है वो तो हमको दिख ही नहीं रहे हैं। तो काफ़ी निराशा भी हाथ लग रही है। यहाँ पर एक चित्ती सांप और दो मुहा सांप के बारे में दिया गया है, कॉमन सैंड बोआ और रेड सैंड बोआ के बारे में। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, एक दो मुहा सांप होते हैं और एक चित्ती सांप होते हैं। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जो चित्ती सांप होते हैं। दो मुहा सांप तो हमने देखा है, लेकिन जो चित्ती सांप होते हैं वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये दुहा दो मुहा सांप के नाम से जाने जाते हैं, और एक वहाँ पर भी है। तो आइए आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर दो मुहा सांप के बारे में भी दिया गया है। ये धुरिया पनिहा, लेकिन इसमें भी सांप नहीं है। और ये धुरिया विषधीन सांप होते हैं, इसके बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो सांप वगैरह जो होते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर जो बरसात का जब सीज़न आता है तो लोग ऐसे ऐसे सांपों का शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि उनको कौन सा सांप ने काटा है,
तो अगर आपको सांपों के बारे में अगर जानकारी होगी तो शायद आप इस चीज़ का बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर ये धामन है जो कि विषधीन सांप होते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि जो धामन सांप होते हैं वो अगर अपनी पूंछ से लोगों को मार दे तो शायद उनका मतलब हाथ पैर जो होता है जहाँ भी मारेगा वो झर जाता है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं घर के लोगों से, अब सच्चाई क्या है वो तो हमको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो जो धामन सांप है उसके बारे में तो विषहीन के बारे में दिया गया क्योंकि वो जहरीला नहीं होते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपको चिड़ियाघर में क्या क्या देखने को मिलता है आगे आपको दिखाते रहेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी है। हालांकि सांप घर में जिस हिसाब से सांप होना चाहिए उस हिसाब से तो देखने को नहीं मिला, तो बाकी जो जानवर है दोस्तों आपको आगे चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए बारहसिंघा के बारे में दिया गया है और इसके पीछे बहुत सारे बारहसिंघा भी हैं, तो इसमें सांभर, चीतल, हिरण, काला हिरण, बारहसिंघा ये सब प्रजातियाँ इसमें देखने को इस चिड़ियाघर में मिल रही हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे आपको और भी तरह तरह के जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे जंगली सुअर है, हम बहुत सारे चिड़ियाघर में जाते हैं लेकिन हमको किसी और चिड़ियाघर में जंगली सुअर देखने को नहीं मिलता है, तो आप जब भी आएंगे इसमें तो आपको ये जंगली सुअर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, जंगल में रहने वाले अगर किसी इंसान को अकेले पा जाएँ तो शायद उस पर अटैक कर देते हैं, जान भी जा सकती है, तो आप इन चीज़ों से सावधान रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जंगली सुअर के बारे में दिया गया है और इसमें बहुत सारे जंगली सुअर हैं देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सांभर भी हैं जो कि आराम फरमा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों कई सारे सांभर हैं। ये जितने भी जानवर है सब जंगल में ही रहने वाले हैं और इस चिड़ियाघर को एक जंगल की तरह ही इसे बनाया गया है ताकि जो जानवर है इसमें उसी तरह रहे जैसे वो कभी जंगल में रहा करते थे। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे जानवर इस चिड़ियाघर में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जंगल में रहने वाला ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो कि इस चिड़ियाघर में आपको देखने को ना मिले। दो तीन वहाँ भी हैं पीछे और ये जो डायनासोर है दोस्तों यहाँ से देखिए आप, बड़ा ही विशाल आकार लग रहा है इसका, देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि अगर कोई रात में आएगा तो देख कर शायद डर भी जाए। हालांकि डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया गया है स्टैचू टाइप का। आइए दोस्तों आपको इस चिड़ियाघर में थोड़े अलग ढंग के पक्षी दिखाते हैं। इसमें कलिज फिजेंट के बारे में दिया गया है और देख सकते हैं इसमें एक उधर है एक यहाँ है, तो ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ। और भी आगे है, यहाँ पर टर्की बर्ड के बारे में दिया गया है और ये सब भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये सब कभी नहीं देखा था। तो इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको थोड़ा अलग ढंग के भी पक्षी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सफ़ेद मोर के बारे में दिया गया है, आप लोगों ने तो मोर बहुत देखे होंगे लेकिन सफ़ेद मोर शायद ही आप लोगों ने देखा होगा और हम भी पहली बार ये सफ़ेद मोर देख रहे हैं। वहाँ पर देख सकते हैं एक सफ़ेद मोर है और एक इसके ऊपर भी मोर है, ऊपर वाला मोर तो कॉमन है सभी देखते हैं लेकिन सफ़ेद मोर मैं पहली बार देख रहा हूँ। देख सकते हैं इस चिड़ियाघर में आप आएंगे तो आपको सफ़ेद मोर भी देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इस चिड़ियाघर में नई नई देखने को मिली। इसमें दिया है जंगली मुर्गा के बारे में लेकिन शायद ही इसमें कहीं और जंगली मुर्गा हो सकता है कि छिपा होगा कहीं। इसमें सिल्वर गोल्डन फिजेंट के बारे में दिया गया है, बहुत सारे बाड़े में तो पक्षी है ही नहीं
हो सकता है कि कहीं चले गए होंगे या फिर उड़ गए होंगे, या फिर वो लोग भी हम लोगों की तरह कहीं मस्ती करने चले गए होंगे। इसमें भी कलिज फिजेंट के बारे में ही दिया गया है। आइए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सुनहरा फिजेंट के बारे में दिया गया है। और मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, बहुत सारे बाड़े में तो एक देखिए वहाँ पर है, तो जिस हिसाब से होना चाहिए उतने तो है नहीं। तो यही सब था दोस्तों इस चिड़ियाघर में, और कुछ तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमसे छूट गई। तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर कभी अगर चिड़ियाघर आएंगे तो आपको जो चीज़ें छूट गई आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अब यहीं पर समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।